केम छो दोस्तों, मजा मा सब चीजें ठीक है या नहीं? देखिए, अब मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, सुपर चार्ज हूँ। थोड़ी देर पहले थक गया था, आराम से अब मैं आपके लिए आ गया हूँ। अब अगले 2.5 घंटे तक पूरी तरीके से मैं आपका हूँ। मैं तुम्हारा हुआ सिर्फ 2.5 घंटे तक, बीच में आधा घंटा ऑब्वियसली अपना ब्रेक रहता है। तो जी चलिए जी, शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 की। आज हमारा टारगेट कि हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। एंड टू योर सरप्राइज, मैं आपके लिए एक और बेहतरीन चीज लेकर आ रहा हूँ। आप बोलेंगे सर एक ही दिल है कितनी बार जीतेंगे, मैं आपके लिए ग्राफ मैराथन लेकर आ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ मैराथन एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर हमारे सिलेबस में करीब करीब, मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे एक सेकंड, राम राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हस्ता लविस्ता, खुदा हाफिज, कैसे हैं साहब आप सभी लोग? ठीक है, फटाफट लाइक ठोको और चलिए जी जल्दी से शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि मैं क्या लेकर आने वाला हूं। बेटा मैंने सक्सेसफुली एक ग्राफ मैराथन ले लिया है, ऑल्दो मैंने एक दूसरे चैनल पे लिया है, लेकिन मैंने उस पर हाथ बिठा लिया है अपना वाला, कि पूरा का पूरा सिलेबस देखो। एक है तरीका, ठीक है भैया, एक तरीका ये है। हेलो पीयूष, मैं बात करता हूँ आपसे, आप रिप्लाई मत करिए, मैं बात करता हूँ आपसे। बेटा एक तरीका ये है कि पूरा सिलेबस फास्ट ट्रैक के थ्रू करवा रहा हूँ। दूसरा तरीका है मैराथन 5 तारीख को डाल दूंगा, मैराथन भी बना लूंगा। और तीसरा बेहतरीन तरीका जो मैंने ढूंढ के निकाला वो है ग्राफ मैराथन। दोस्तों ये ग्राफ मैराथन आपको मिल जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, जिसमें पूरा सिलेबस ग्राफ के थ्रू करवाऊंगा। साहब मैंने टोटल ग्राफ काउंट के ऑलमोस्ट 45 प्लस ग्राफ जाते हैं, 45 से 55 के बीच में 5 6 10 ग्राफ अपन इधर उधर ऊपर बना सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। ये मेरा एक नया इनोवेशन आने वाला है। एक स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर आप ग्राफ मैराथन करवाए। तो ग्राफ मैंने मैराथन जब करवाया रिसेंटली, अब मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कौन से चैनल पे करवाया, पर जैसे ही मैंने ग्राफ मैराथन करवाया, बच्चे का पूरा सिलेबस गो थ्रू हो गया। और कितनी देर का था वो ग्राफ मैराथन? यू वोंट बिलीव इट सर, वो सिर्फ 2 घंटे का ग्राफ मैराथन था। बात समझ में आ रही है आपको? ग्राफ मैराथन बेटा लाइव होगा, अपन लाइव वाले लोग हैं, अपन अब रिकॉर्डेड के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। ठीक है, आज है दोस्तों फ्राइडे, और फ्राइडे को ना गला सूखता है इंसान का, गला सूखता है। तो जब मैं जॉब करता था तब मैं मस्त फ्राइडे को दोस्तों के साथ हम क्लब वगैरह जाते थे। ठीक है, मैं ड्रिंक तो करता नहीं हूँ, पर दोस्तों के साथ क्लब वगैरह जाता था। तो आज फ्राइडे है तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं आया, चले क्लब की फोटो लगा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लब है पूना के अंदर। रूम का टूर आपको अलग से, मोबाइल पे जब लाइव जाऊंगा ना तब दिखा पाऊंगा, ये तो कैमरा फिक्स है, हिल नहीं सकता यहाँ से। हाँ जी, 2.5K पे सबसे बड़ा आपको ग्रैंड सैल्यूट है। और दूसरी चीज, अब मैं सारे टीचर के साथ टाइप कर रहा हूँ, सारे के सारे टीचर से बात कर रहा हूँ। थैंक्स टू सीए इंडिया, वो आपके लिए अकाउंट्स के टीचर, आपके लिए लॉ के टीचर, सीएससीएम रोहन निम्बालकर सर को लेकर आ रहे हैं। सीएससीएम रोहन निम्बालकर सर पिछले 12 साल से अकाउंट और लॉ पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन हाथ बैठा है उनका सब्जेक्ट में, वो आपके केस स्टडी को भी डेल्ट इन करेंगे। तो सारी की सारी चीजें आपको सब कुछ मिलने वाली है। सब्सक्राइबर तो बेटा आपकी दया से इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। सर आप इकोनॉमिक्स और बीसीके का क्या क्या अवेलेबल करोगे, सारा कुछ बता दो। देखो बीसीके का तो सिंपल बता रहा हूँ, पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक करवा दूंगा। उसका मैराथन और उसका एमसीक्यू रिवीजन लेटर हाफ ऑफ दिस मंथ, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वन डे मैराथन कैसे करना है और एमसीक्यू मैराथन। तो 15 तारीख तक तो मैं बीसीके के मैराथन के बारे में सोच नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मैराथन ऐसा रहेगा जो भैया दिलों और कानों से सुनोगे तुम, लेकिन दिल में उतरने वाला है, तुम्हारा इतना बेहतरीन बनाने वाला। तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी शांति चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला बीसीके के लिए मेरे को मंडे तक का टाइम दीजिए, आपको तूफान बुक बना के दूंगा, और तूफान बुक आपको मंडे को मिल जाएगी। ठीक है, खतरनाक बुक मिलने वाली है आपको। रोहन सर आपको देखते हैं वो क्या लेने वाले हैं, मैं अभी कमेंट ही नहीं कर सकता, मैं बस आप लोगों की रिक्वेस्ट उनके सामने डेल्ट इन करता हूं हमेशा। अमरेश आप चैनल को तरीके से नहीं देख रहे हैं, उसके अंदर जो रोहन सर ने मैराथन लिया है, लॉ का मैराथन लिया, उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए हैं। बीसी के पास करा देना 90 पर। अरे अब तो मैं तुमको बोल रहा हूं, अब तो हर सब्जेक्ट में 90 पार का सोचना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया दोस्तों आप लोगों ने। आप लोग यहाँ पर डेली आ रहे हैं मेरे साथ, मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें का। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ इंटरव्यू भी आए, तो बाकी सब्जेक्ट भी पास करवाने चाहिए। तो मैं बाकी टीचर से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, वो उनके चैनल पे ऑलरेडी रहते हैं एक्टिव, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा, आपकी क्वेरी कंसर्न सब उनके सामने पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
सर बीसीके में चैप्टर 3 बेटा आने दो ना, अगर तुम्हारे सामने 6 रोटी रखी है तो डायरेक्ट तुम 6 रोटी थोड़ी एक साथ खा लोगे, मैं पूरा का पूरा करवा दूंगा। तुम आखिरी दिन तक एग्जाम के 1 घंटे पहले तक अगर भी तुम प्रिपेयर हो रहे हो तो भी काफी है, मैं इतना दूर नहीं ले जाऊंगा, 15 अक्टूबर को पूरा सिलेबस निपटा दूंगा मैं। मेरे ऊपर भी प्रेशर है बेटा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज है कम से कम टाइम में दी जाए। चलिए मेरे पास लास्ट 1 मिनट बाकी, आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारा अद्भुत सब्जेक्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक्स और फाउंडेशन। सर आर्टिकल, अरे बताएंगे बीच में, वो बीसीके के टाइम है, स्टोरीज बीसीके का टाइम होता है, बीसीके के टाइम स्टोरीज बीसी के टाइम। आज समोसे खाए मैंने, कल नहीं मिले थे मुझे। यस मेघना, यू नीड ट्रस्ट, सिर्फ विश्वास रखो सारी चीजें हो जाएगी, मैं सब करवा रहा हूं, मैं सुनाऊंगा। टेस्ट पेपर मंडे का टाइम तो मेरे पास सारे टेस्ट पेपर रेडी है, सिर्फ इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स के सारे टेस्ट पेपर रेडी है, सारे के सारे बल्क में अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है सीए फाउंडेशन आदित्य नाम से सर्च करो। जी शुरू करते हैं, तो दोस्तों ग्राफ मैराथन आएगा, आप उसका इंतजार करेंगे। चलिए जी, किसी को कोई डाउट नहीं है, बीसीआर का मैराथन का कोई स्कोप नहीं है अभी मेरे पास। बेटा मैं एक सब्जेक्ट का टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स बीसी के, बाकी चीजें तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मतलब तुम जितना उम्मीद करोगे ना ये सब्जेक्ट के लिए उतना करके दे सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट मेरे हाथ में नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बेटा जैसे कल करके मेरे को कोई दूसरा चैनल वाला बुलाएगा तो मैं वहां जाऊंगा क्या, नहीं जाऊंगा, उसी तरीके से मैं कई बार बुलाता हूँ नहीं आते हैं, लेकिन रोहन सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो मेरी बात मान जाते हैं, ठीक है, तो मैं जरूर उनसे बात करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, इक्वल वेटेज है बीसी के और इकोनॉमिक्स के, एवरी चैप्टर गॉट इक्वल वेटेज, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर 5 चैप्टर हैं, तो आपको क्या करना है, कैल्सियम में 60/5 12 मार्क्स का अप्रोक्स वेटेज हर चैप्टर का, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो। सेम गोज फॉर आपका बीसी के, सर 35 मार्क्स पकड़ते हैं उसके, 35/6 चैप्टर ऑलमोस्ट हर चैप्टर 5 से 6 मार्क्स के बीच में आएगा आपको। सर मेरी क्लास का टाइमिंग क्लैश कर रहा है, आप आपकी क्लास का टाइमिंग बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीक के लिए वैसे भी टाइम आधा घंटा आगे पीछे करने वाला हूँ। अरे भाई तुम किधर हो, फटाफट अपने दोस्तों को बुलाओ, ग्रुप में डालो, बोलो हम लाइव हैं, दोस्तों हम लाइव आ चुके हैं। अरे कहाँ हो तुम, चलिए जी लेके प्रभु का नाम करते हैं शुरू अद्भुत सब्जेक्ट को, और याद रखिएगा भैया अब की बार 90 पार। ओके फ्रेंड्स, आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर, बैकग्राउंड भी क्लियर है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये चैप्टर आज हमें कंप्लीट करना है, पूरे की पूरी जिम्मेदारी है चैप्टर कंप्लीट करने की। दोस्तों पॉइंट नंबर 13 तक हम कर चुके थे, हम थे कार्डिनल अप्रोच के अंदर, कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी पढ़ रहे थे, कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल। एल्फ्रेड मार्शल ये कॉन्सेप्ट लाए थे और उन्होंने बोला था मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। साथ ही साथ उन्होंने बोला था अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। और साहब उन्होंने एक और चीज बोली थी कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, कंज्यूमर सरप्लस मींस अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। और साहब मैंने इसको डिकोड करके बताया, अमाउंट रेडी टू पे इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी, एंड एज यू गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी द एडिशनल सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी डिमिनिशेस। इसका मतलब क्या है सर, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है। फिर बात करिए साहब अपन ने कंज्यूमर सरप्लस की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कंज्यूमर सरप्लस जीरो होता है, क्योंकि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल रहता है, और फॉर्मूला क्या है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो भैया LHS RHS इक्वल हो गया, आंसर आपका जीरो आ गया। हां जी ओके जी, चलिए चारों तरफ फैला दीजिए, लोगों को बुलाइए, आज 2700 टारगेट है, आज रात 12 बजे तक 2700 टारगेट है। साहब अपन टारगेट बेस भी पढ़ाई करेंगे, इसको भी तो बढ़ाना है सर, सर अपने को गूगल वाले को सुंदर पिचाई को भी तो अमीर करना है, सुंदर पिचाई, यस सुंदर पिचाई, हां जी चलिए अजम्पशंस है कुछ सर, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कुछ अजम्पशंस है, चलिए जी उस अजम्पशंस को हम पढ़ते हैं। बेहद अच्छे अजम्पशन दिए हैं, सही बात करी है उन्होंने। सबसे पहला अजम्पशन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट सूटेबल साइज होना चाहिए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चेक करना चाहते थे, एंड लेट्स से हमारे पास दिनेश है,
दिनेश है, दिनेश की शक्ल बना रहा हूं मैं फटाफट, ये है दिनेश। दिनेश को बोला, दिनेश लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चेक करना है, और हमें पता है एडिशनल कंजम्पशन से एडिशनल यूटिलिटी जो मिलने वाली रहती है वो कम हो जाती है, तो हम चेक करना चाहते हैं। तो बोला भैया कैसे चेक करोगे? बोले हम तेरे को लड्डू खिलाएंगे। वो बोला बहुत बढ़िया लड्डू खिलाओ। तो एक लड्डू, ये दिनेश का ओरिजिनल साइज है, दिनेश इतना है और लड्डू ले आया इतना बड़ा। अरे भैया कैसे खाएगा? अरे सर ये खाने के बाद वो जिंदा ही नहीं बचने वाला, सर इतना बड़ा लड्डू कैसे खाएगा, ये बेचारे का पेट देखो इतना सा है, ये कैसे खाएगा? तो सर कमोडिटी सूटेबल साइज का होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चेक करना है तो कोई भी साइज की कमोडिटी लाए, ऐसा नहीं। ठीक है, होमोजीनियस यूनिट, सर पहला लड्डू इसको दिया, चलो ये वाला एग्जांपल हटाए, दिनेश बोला इतना बड़ा लड्डू मैं नहीं खा सकता, इसको हटाओ। फिर दूसरा लड्डू दिया इतना सा, इतना सा नहीं बहुत बड़ा हो गया, दूसरा लड्डू दिया इतना सा। अरे भाई ऐसे तो 1000 लड्डू खा जाएगा, इसका मतलब कैसे सूटेबल साइज होना चाहिए। ठीक है सर, सर पहले कमोडिटी इतनी सी थी, पहला लड्डू इतना सा दिया, सर ऑब्वियसली इतना सा लड्डू खाने के बाद बूंदी के लड्डू में से एक बूंदी थी, पेट भरेगा क्या? सर उसकी तो लालच और बढ़ेगी दूसरे बूंदी के लिए, तो सर दूसरा बूंदी का लड्डू इतना बड़ा दिया। अरे सर इस बार तो सेकेंड वाली बूंदी उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, क्यों? क्योंकि पहले वाला तो नेग्लिजिबल ही था सर। सर देखो ना होमोजीनियस होने चाहिए सर, कॉन्स्टेंट रखो सबका, एक इतना सा दिया, अरे तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तुम बोल रहे हो कि सर पहला ग्लास ऑफ पानी ना हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा वाला कम देगा, तुम भयंकर प्यास हो, उन्होंने तुम्हें एक बूंद पानी दिया। अरे भैया एक बूंद के लिए तुम्हें अब दूसरे बूंद पानी पीने की तो और ज्यादा चाहत रहेगी, तो सर होमोजीनियस होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज भी होना चाहिए, ज्यादा बड़ा और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, और सेम होने चाहिए सारे लड्डू इक्वल साइज के। कॉन्स्टेंट इनकम सेठ, अब ये अजम्पशन समझिए आप जरा से, कॉन्स्टेंट इनकम होनी चाहिए। अगर ये सेठ की इनकम बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो दिनेश सेठ की इनकम बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? इनकम बढ़ जाती है तो अमाउंट रेडी टू पे ज्यादा हो जाता है। अरे हाया ना सर, अमाउंट रेडी टू पे ज्यादा हो जाता है। अभी दिनेश क्या है, दिनेश के पापा की इनकम है 1 crore पर मंथ। मुझे एक बात बताओ, दिनेश के पापा 1 crore पर मंथ कमा रहे हैं? सेम एग्जांपल, दिनेश कल क्रिकेट खेलकर आया, ठेले पर उसको वो क्या बोलते जूस वाला दिखा, ठेले पे उसको बेटा जूस वाला दिखा। तो मुझे एक बात बताओ, पहले दिनेश जब थोड़ा सा कम पैसे वाला था, वो पहले ग्लास के लिए 60 रुपए देने के लिए रेडी था, पर इसके पापा 1 crore रुपए पर मंथ कमा रहे, अब ये तो 6000 भी देने के लिए रेडी है। इसका मतलब क्या है सर? अगर अपन कंटिन्यूस कंजम्पशन कर रहे हैं और सडनली हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम एडिशनल पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं साहब, समझिए मैं रोज मूवी देखता था, ठीक है, रोज मूवी देखने पर ये भी कंटिन्यूस कंजम्पशन है, बोर हो जाऊंगा साहब मैं मूवी देखते देखते कंटिन्यूसली, तो मैंने एक दिन मूवी देखी, दूसरे दिन देखी, तीसरे दिन देखी, मैं बोर हो गया, लेकिन चौथे दिन सडनली मेरी इनकम इतनी बढ़ गई कि अब मैं और मूवी देखेगा और ज्यादा पैसे भी देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले दिन मूवी देखी, मैंने बोला यार बहुत सालों बाद मूवी देखी, 400 रुपए देने के लिए रेडी हूं। दूसरी मूवी देखी, मैंने बोला कल ही तो मूवी देखी, अब मैं 300 रुपए देगा। तीसरी बार बोलते हो अब मैं 200 रुपए ही देगा। सडनली तुम करोड़पति अब बोल गए, तुम बोले ठीक है अब मैं मूवी के लिए 500 रुपए देने के लिए भी रेडी हूं। तो भैया अगर आपकी इनकम चेंज हो गई ना तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं, तो आपकी इनकम को कांस्टेंट रखना पड़ता है, कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सडनली आप किसी चीज के प्रति लाइकिंग या डिसलाइकिंग प्रोड्यूस कर ले। नेक्स्ट है कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी, ये अपन ने अजम्पशंस में भी पढ़ा है ऊपर, कि भैया अजम्पशंस ही दे के रखे थे कि कार्डिनल होना चाहिए, नंबर में मेजरेबल होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन प्यार संतुष्टि वगैरह अगर तुम्हें कहीं से मिल रहा है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तुम ऑर्डिनल अप्रोच में चले जाओ, तुम हिक्स एंड एलन से बात करो। तो भैया ये फटाफट हमारे 5 अजम्पशन हो गए। पहला है स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए भैया, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, होमोजीनियस सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए, इनकम भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी नहीं बदलने चाहिए, और कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी चाहिए। पर सर इन चीजों के अंदर ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर कुछ एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है सर? पर्सनल एस्पेक्ट को एक्सक्लूड किया जाता है। मुझे लेट्स से म्यूजिक सुनने का शौक है, मुझे गिटार बजाने का शौक है, तो सर मैं अगर गिटार बजा रहा हूं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, मैं जितना ज्यादा गिटार बजाऊंगा मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सर अगर कोई पर्सनल एस्पेक्ट की चीज है, हॉबीज है आपकी, तो वो इसके बाहर है, इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं रहता। इन शॉर्ट आप देखोगे सर 10 तो अजम्पशन है, 5 तो एक्सक्लूजन्स कर रखे हैं उन्होंने, तो कुल मिला के थोड़ी बहुत चीजें ही बचती है जो ये लॉ के लिए एप्लीकेबल हो जाती है, पर सर वो बहुत हैवी लॉ है।
आइए सर, पर्सनल एस्पेक्ट इसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं, म्यूजिक आपको पसंद है, हॉबीज वगैरह आप परस्यू कर रहे हो, तो आप कितना भी करो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको हाइकिंग का शौक है, फॉर एग्जांपल आपको मूवीज का शौक है, फॉर एग्जांपल आपको ड्राइंग का शौक है, तो भैया एक ड्राइंग बनाने के बाद दूसरी ड्राइंग बनाने पर आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी, आपको मार्जिनल यूटिलिटी गिनने नहीं वाली। मनी इज एक्सक्लूडेड, साहब अपन ने ऊपर अजम्पशन पढ़ लिया कि मनी के केस में तो वैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है नहीं, इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, तो भैया मनी भी एक्सक्लूजन है। जितना ज्यादा पैसा आता जाएगा तुम्हारे पास और पैसा अक्वायर करने की इच्छा बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी, तो मनी भी एक्सक्लूजन है। एंड लास्ट वन इज अदर पोजीशन, सर दूसरी चीजों के पोजीशन के कारण भी मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती है। अब इसका एग्जांपल समझो, काफी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है, देखो मैं ये एग्जांपल वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा अदर पोजीशंस का, अदर पोजीशंस ध्यान से सुनिए सर, अदर पोजीशन से भी मार्जिनल यूटिलिटी बदल जाती है। फॉर एग्जांपल सर, पहला पेयर ऑफ जीन्स, पहला पेयर की जगह मैं एक काम करता हूँ, सर मैं अगर मूवी देखने जाता हूँ ना तो फर्स्ट टाइम मैं 1000 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, साहब मैं रेडी हूँ। सर मैं दूसरे टाइम मूवी देखने जाता हूँ ना तो सर मैं 900 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है। तीसरे टाइम मूवी देखने जाता हूँ ना सर 700 रुपए देने के लिए रेडी हूँ, चौथे टाइम मूवी देखने के लिए जाता हूँ 400 से ऊपर रुपए दूंगा नहीं। पर सडनली क्या हुआ सर, सर इन्होंने एक स्कीम निकाली, क्या स्कीम निकाली, अगर आप 4 बार एक महीने में 4 बार मूवी देखने आ जाते हैं तो हम आपको 1000 रुपए का बुक माई शो का एडिशनल कूपन देंगे, प्लस सर हम आपको थाईलैंड भेजेंगे, THAI थाईलैंड भेजेंगे, प्लस सर हम आपको एक लकी ड्रॉ, सर हम आपको एक लकी ड्रॉ में डालेंगे जिसके थ्रू आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, अब तुम्हारे मन में ये चौथी बार मूवी देखने की इच्छा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस सर। लेकिन सर ये चौथी बार मूवी देखने की इच्छा आपके मन में क्यों बढ़ी? आप ये चौथे टिकट के लिए 5000 रुपए तक देने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि सर अदर गुड्स मिल रहे हैं। तो इन्होंने यही बोला, अदर गुड्स के कारण तकलीफ हो सकती है, अदर गुड्स के कारण पापा, अदर गुड्स के कारण हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो गिर रही थी वो बढ़ सकती है। तो आप इन चीजों को एक्सक्लूड करेंगे, तो कौन कौन सी चीजों को एक्सक्लूड करेंगे सर? पर्सनल एस्पेक्ट, मनी एंड अदर पोजीशन को। सर ये सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ आप मुझसे पूछिए भी मत, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार आपको रीड करके बता देता हूं ये अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स क्या है। सर ये क्या बोल रहे हैं कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी DMU किधर किधर एप्लीकेबल है? तो ये लॉ ऑफ डिमांड में एप्लीकेबल है। सर ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिखाएगा। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपन ने सीख लिया व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। एक सेकंड गाइस, आपको शायद उधर का पार्ट नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड। एक मिनट दोस्तों, ओ माय गॉड, आप लोगों को इतनी चीजें नहीं दिख रही थी, कौनो गर्ल नहीं सर, अपने को पूरा टेक्निकल चीजें आती है आज के टाइम पे। अब सर सब दिख रहा होगा आपको, लीजिए सर सारी चीजें अब आपको दिख रही होगी। तो सर पहला वाला बोला है लॉ ऑफ डिमांड में यूज करेंगे, तो बेटा चैप्टर नंबर 3 जब लॉ ऑफ डिमांड कल अपना स्टार्ट हो जाएगा तब देखेंगे। लॉ ऑफ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सर ये कहां पर एप्लीकेबल है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में एप्लीकेबल है, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ऊपर अपन पढ़ के आए थे कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, तो बता रहे कहां कहां प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी मूव्स टुगेदर अपवर्ड एंड डाउन। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे बेटा अपन ये प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी का नाता क्या है, वो अपन चैप्टर नंबर 3 मतलब डिमांड में पढ़ेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी वेरीज इनवर्सली विद सप्लाई, सर सप्लाई बढ़ता जाता है यूटिलिटी कम होती है। बेटा प्यार बढ़ता जा रहा है जिंदगी में, इंपॉर्टेंस कम होती है। याद करो वो दिन जब तुम्हारे को जो चाहिए था जिससे वो सारी चीजें मिल रही थी, सारा प्यार मिल रहा था तुम्हें माँ बाप से, लेकिन उस दिन तुमने इंपॉर्टेंस खो दी उस प्यार की। क्यों कर क्यों सर? क्योंकि जब सप्लाई बढ़ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाता है। सर सर जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाती है उसकी वैल्यू खो देते हैं आप, समझिए यहाँ पर एग्जांपल लिखिए माँ बाप का प्यार।
सर माँ बाप का प्यार आपको जरूरत से ज्यादा मिल रहा है तो आपको उसकी यूटिलिटी फील नहीं हो रही है, पर सर किसी अनाथ बच्चे से पूछिए माँ बाप का प्यार उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, तो वहां पे सप्लाई है ही नहीं उसको माँ बाप के प्यार का, तो यूटिलिटी बहुत ज्यादा है उसके लिए, और सब आपके पास सप्लाई ज्यादा है तो आपको कद्र नहीं है, कैसे दुष्ट लोग हो आप। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड इंक्रीजेस एज द क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस। सर अभी अपने बुक माई शो का एग्जाम्पल लिया, मार्जिनल यूटिलिटी सडनली चौथे मूवी की बढ़ गई, क्यों सर? क्योंकि अपने को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मिल रहा था। और सर वैसा ही उल्टा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स डिक्रीजेस व्हेन सब्स्टिट्यूट गुड्स विद कंज्यूमर इंक्रीजेस। सर जब आपके पास सब्स्टिट्यूट आने लगता है तब अहमियत कम हो जाती है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मेरे को किसी का नाम चाहिए रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कोई प्रतीक, प्रतीक नाम का एज्यूम करते हैं लड़का, ये इसकी ना बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी, किसके साथ? महेश नाम के लड़के के साथ। सर इसकी बहुत गहरी दोस्ती थी, ये लोग चड्डी बड्डी थे सर, सच में बचपन में साथ में खाते पीते सोते नहाते थे सर, ये बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन सडनली क्या हो गया सर, एक दिन उसके जीवन में, मैं आपको कलर से बता देता हूँ एक दिन उसके जीवन में क्या हुआ सर, एक दिन उसके जीवन में गुलाबी दौर आ गया सर। उस दिन क्या हो गया, उस दिन बहुत एक दुखद घटना घटी कि सब्स्टिट्यूट आ गया इस दोस्त का और इन्होंने कर लिया टाई। सर इसका मतलब क्या है, अब इस दोस्त से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई क्योंकि सर सब्स्टिट्यूट आ गया। साहब ऐसे एग्जाम्पल आपको कौन देगा, ठीक है, ये याद रखिएगा साहब, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। दुष्ट लोग होते हैं वो जो दोस्तों को छोड़ देते हैं लड़की के लिए, बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो बेटा ये किसी काम की चीज नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस जब सब्स्टिट्यूट बढ़ जाते हैं, बंदी और दोस्त का एग्जांपल याद रखना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स इंक्रीजेस सर, बुक माय शो थाईलैंड की ट्रिप याद रखना, सप्लाई माँ बाप का एग्जाम्पल याद रखना, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस मूव टूवर्ड चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे बता दो आपको चैप्टर नंबर 3, ये भी चैप्टर नंबर 3 और ये अपन ऊपर टेबल में प्रूव करके आ चुके हैं। आइए जी अब एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, मजा आ जाएगा। आपने आज तक लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को मुझसे नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको इसके लिए समझना पड़ेगा बेटा। क्या समझना पड़ेगा, लेट्स से देयर आर 3 कमोडिटी, दिस इज पिज्जा सर, दिस इज बर्गर एंड सर दिस इज डोसा। सर एक कप पिज्जा है, एक बर्गर है और दूसरा सर डोसा है। तो सर मेरे को एक बात बताओ, पहला यूनिट आप कंज्यूम करने के लिए बैठे, आप रेस्टोरेंट में घुसे, तो पहला यूनिट कंज्यूम करने पर आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन, सबसे ज्यादा यूटिलिटी कौन देगा? सर पहला यूनिट ऑफ पिज्जा आप कंज्यूम करने का तो आपको 100 रुपए के बराबर इक्विलिटी यूटिलिटी मिलेगी। वो प्राइस कितना चार्ज करा सर, वो तेल लेने गई चीजें, 100 रुपए की इक्विवेलेंट यूटिलिटी मिलने वाली है। सर पहला बर्गर खाओगे तो आप उसके लिए 80 रुपए देने के लिए रेडी हो, बराबर है। और सर रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, काजू करी खा के पनीर मसाला खा के ज्यादा यूटिलिटी मिलती है इसलिए साले उसका प्राइस भी ज्यादा रखते हैं। सर दाल तड़का खा के कम यूटिलिटी मिलती है इसलिए उसका प्राइस भी कम रखते हैं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं दाल तड़का का प्राइस 500 रुपए रख देगा ना तो लोगों को तो उससे 50 रुपए की यूटिलिटी मिलने वाली, कोई खरीदेगा ही नहीं उसको, बराबर है कि नहीं? सर अगर हम यूटिलिटी कम मिल रही है और प्राइस ज्यादा रख रहे हैं तो कमोडिटी बिकेगा ही नहीं। तो भैया आपकी यूटिलिटी का वो लोग विश्लेषण करते हैं और पता करते हैं कि कितना प्राइस रखना चाहिए कमोडिटी का। तो आप पहला पिज्जा खाने जाओगे तो आप 100 रुपए देने के लिए रेडी हो, एक बर्गर खाओगे तो आप 80 रुपए देने के लिए रेडी हो क्योंकि आपको लगता है उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। सर पहला यूनिट डोसा खाने जाओगे तो आप 60 रुपए देने के लिए रेडी हो। आप बताओ सबसे पहले कौन सा कंज्यूम करोगे? सर ऑब्वियस सी बात है, हम वो वाला यूनिट कंज्यूम करेंगे जो हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा। सर हमने पहला यूनिट डोसा खा लिया, सर अब भूख तो मिटी नहीं तो मैं और खाएगा, लेकिन मैं अगर पिज्जा खाने गए एक और, तो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता है। क्या बोलता है सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? आकाशवाणी में, हे आदित्य तू पहला डोसा खाए, पहला डोसा नहीं पहला पिज्जा खाया, 100 रुपए की इक्वेलेंट यूटिलिटी मिली, दूसरा वाला खाएगा 100 रुपए नहीं उससे कम मिलेगी, 80 रुपीज की, ठीक है मैंने बोला 80 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी, अच्छा तो फिर तो मैं एक काम कर लेगा मैं बर्गर खा लेगा क्योंकि बर्गर से भी मुझे 80 रुपए की यूटिलिटी मिलने वाली है, डोसे से भी मेरे को नहीं, डोसा साइड में ही रखो, बर्गर से भी 80 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी और सर पिज्जा के सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पर भी मेरे को 80 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी। सर इसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंडिफरेंट हो गया बेटा, अब मैं दोनों में से कुछ भी कंज्यूम कर लूंगा। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल दैट आई कंज्यूम्ड बर्गर। तो मैंने पहले एक पिज्जा खाया फिर एक बर्गर खाया, सर भूख मिटी नहीं, अब मेरे को कुछ और तो खाना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या है, या तो मैं पिज्जा खा लूं, पिज्जा का दूसरा स्लाइस खाया तो 80 रुपए की यूटिलिटी,
डोसा का, डोसा नहीं बर्गर का दूसरा स्लाइस खाया 70 रुपए की यूटिलिटी, और डोसा का पहला स्लाइस खाया सर तो 60 रुपए की यूटिलिटी। अभी आपको कंपेयर करना है सर, आप ये वाला कंज्यूम करोगे तो आप क्या करोगे, वन पिज्जा खाओगे सर। सर भूख नहीं मिटी, चौथा यूनिट भी खाना है। अब चौथा यूनिट खाने गए तो सर आपको यहां से 60 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी, यहां से 70 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी, यहां से 60 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि डोसा तो अब तक खाया नहीं। तो आप क्या खाओगे बेटा, एक बर्गर खाओगे, तो सर ये भी खा लिया। सर भूख नहीं मिट रही, सर जन्मों का भूखा जन्मों का प्यासा, मैं वापस से अगला यूनिट कंज्यूम करने गया। सर मैं अगला यूनिट कंज्यूम करने गया तो सर अब अगला यूनिट कंज्यूम करूंगा तो बर्गर मेरे को, पिज्जा मेरे को 60 रुपए की यूटिलिटी दे रहा है, बर्गर भी तीसरा यूनिट कंज्यूम करने जाऊंगा क्योंकि पहले दो यूनिट कंज्यूम कर चुका सर वो भी 60 की देगा, और सर डोसा तो अब तक खाया नहीं वो भी कंज्यूम करने गया तो वो भी 60 की यूटिलिटी देगा। तो सर ये हो गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा क्या किया, इनिशियली मेरे को जो कमोडिटी सबसे ज्यादा यूटिलिटी दे रही है उसके ऊपर मैंने सारा का सारा पैसा लगाया, पर सर उसी कमोडिटी को एडिशनल कंज्यूम करने गया तो यूटिलिटी कम होने लग गई। बराबर कि नहीं, यूटिलिटी कम होने लग गई। सर एक सिचुएशन ऐसा आया कि सारे कमोडिटी की मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल हो गई, और इसी को बोला गया लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो साहब इतना अद्भुत तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो अब आपका, अब यहां पर आपके पास सारे कमोडिटी से पिज्जा बर्गर एंड डोसा से आपको मिलने वाली यूटिलिटी सब इक्वल हो गई, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल हो गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस। पढ़िए सर, ये तो एक्सप्लेनेशन था, आप पढ़िए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा आपको अगर फास्ट ट्रैक में चीज समझ में आ रही, सोचिए रेगुलर में क्या तोड़ किया होगा मैंने, रेगुलर में मां कसम तोड़ पड़ाया है। आप आपके जूनियर्स को रेकमेंड कर सकते हैं, आराम से रेकमेंड करिए, उनका भविष्य एक प्रोफेशनल के हाथ में। हाँ कई बार हो जाता है कि सर आदित्य सर आप रिप्लाई नहीं करते इंस्टेंटली, बेटा इंस्टेंटली तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता, 9 घंटे मेरे लाइव लेक्चर चलते हैं, आई एम नॉट जोकिंग बेटा, 9 घंटे लाइव लेक्चर, और हर घंटे के, हर लेक्चर के बीच में अगर मैं आधे आधे घंटे का भी ब्रेक पकड़ लूं तो करीब करीब 4 घंटे का ब्रेक हो जाता है बीच बीच में, आधा आधा घंटा सेटअप करना वगैरह, तो कुल मिला के बेटा मैं 13 घंटे अभी ये कर रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ, दिन के मिलते हैं मुझे 18 घंटे, 18 में से करीब करीब 3 घंटे तो मेरे ये चले गए खाने पीने नहाने वगैरह में चले गए, घर वालों को टाइम देने में, तो यहाँ 13 और ये 15 और ये 2 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं सिर्फ संडे के संडे करता हूँ। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं आपकी सारी की सारी क्वेरीज अनरीड रखता हूँ, जानबूझ के रीड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं इनको रीड करने के लिए प्रॉपर टाइम पर रिप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन कमोडिटी एक्स, सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पिज्जा इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बर्गर, सर पिज्जा से मिलने वाली यूटिलिटी बर्गर से ज्यादा है तो मैं पिज्जा खाएगा, देन द कंज्यूमर विल विड्रॉ मनी फ्रॉम परचेस ऑफ वाई। विड्रॉ मनी फ्रॉम परचेस ऑफ वाई मतलब, अरे भैया मैं बर्गर के लिए जो पैसे लेकर आया था मैं बर्गर नहीं खरीदेगा, मैं वो पैसे से पिज्जा खाएगा, क्यों, मेरे को पिज्जा से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। तो पढ़िए वापस से इसको, एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इफ यूटिलिटी ऑफ द मनी स्पेंड ऑन पिज्जा इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन बर्गर, देन कंज्यूमर विल विड्रॉ मनी फ्रॉम परचेस ऑफ बर्गर, बर्गर नहीं खाएगा मैं, एंड स्पेंड ऑन द परचेस ऑफ पिज्जा। कब तक करता रहूंगा सर ये, जब तक सबकी यूटिलिटी इक्वल नहीं हो जाती। सर पिज्जा बर्गर डोसा सबकी यूटिलिटी जब तक इक्वल नहीं होती तब तक ये सिलसिला चलेगा। सर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, सर मैं होटल से बाहर निकल के जा रहा था, रेस्टोरेंट से बाहर निकल के जा रहा था, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिला मुझे, याद रखना साहब ये एग्जांपल, मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिला व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल द कमोडिटीज इक्वल। मैंने रिसेंटली दासू सर का वीडियो देखा है तो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, ठोको लाइक शेयर वगैरह करते हैं और वो बंदा लैपटॉप तोड़ देता है, वो मस्त क्रॉस ओवर किया है उन्होंने, वैसा मत कर देना तुम, पर सर दबा के ठोको लाइक जय महाकाल। सर इसका मतलब क्या है, मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलूंगा और मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, सर मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन तब मिलेगा जब मैं बोलूंगा सारी कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल है। साहब इसका मतलब है सर ये वाला सीनेरियो, when marginal utility of money spent on all the commodities equal, sab maximum satisfaction sir nirvana। तो आप कैसे याद रखेंगे सर सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा, याद रखने की ट्रिक बताऊं क्या, सर मैंने जब तीनों चीजें खा ली, सर मैंने पिज्जा बर्गर डोसा खा लिया मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, ये याद रखने की ट्रिक। लेकिन एग्जाम में क्या लिखना, सबसे मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल है। द कंज्यूमर विल अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी of money spent on various item is equal. I hope it is very clear. Dabake thoko like share aur jai mahakaal.
ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मस्त बोलते हैं आसू सर। चलिए सर, एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। पर सर अभी तो आपने बोला कि 3-4 कमोडिटी हो सकती है, तो सर उस केस में कैसे निकालेंगे? अरे बहुत सिंपल है, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा अपॉन प्राइस ऑफ पिज्जा इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर अपॉन प्राइस ऑफ बर्गर इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डोसा अपॉन प्राइस ऑफ डोसा। ऐसे सर आप इनफाइनाइटली इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर, चारों तरफ जाइए, बुलाइए सबको, बोल दीजिए चालू हो चुका है, खेला शुरू हो चुका है, अब आएगा मजा, इस बार 90 पार करना है सर। तो सर मैं आपको क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। पहली चीज, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? सारी कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है, और जब ऐसा होता है तभी कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सर निर्वाणा परम सुख में पहुंच जाता है। फिर सर लास्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया था व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, पर ये सर यहाँ पर हमने एक ही कमोडिटी की बात करी थी, मल्टीपल कमोडिटी रही तो फॉर्मूला हल्का सा मॉडिफाई हो जाता है। MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUZ अपॉन PZ। अगर दो ही कमोडिटी तो इतना लिखना है आपको फॉर्मूला। सर अब एक क्वेश्चन जो करीब करीब हर ऑल्टरनेटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो ये लाइन है, द कंज्यूमर विल अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। सर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होता है? मेरे को बताइए, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होता है? सर जब मार्जिनल यूटिलिटी सबकी इक्वल हो जाती है। और इक्विलिब्रियम में कब आता है? सर इक्विलिब्रियम में तब आता है वो व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY हो जाता है। सर इन दोनों को जोड़ के कुछ निकलता है क्या? सर सर संतुष्टि और इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और इक्विलिब्रियम दोनों को जोड़ के क्या निकलता है? अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड विल अटेंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंड ऑन वेरियस आइटम इज इक्वल। सर जब सारी कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी सेम है ना सर, कंज्यूमर आ जाता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और इक्विलिब्रियम भी अचीव कर लेता है। सर आपको सबसे ज्यादा जोश कब महसूस होगा? सर जब आप रेस्टोरेंट से बाहर निकलेंगे और पिज्जा बर्गर डोसा तीनों चीजें आपने कंज्यूम करी और तीनों चीजों से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलकर आया है। सर तीनों चीजों ने आपको इक्वल और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दिया है। सर इक्वल भी दिया और मैक्सिमम भी देकर गए सर। ठीक है सर, चलिए जी, आपको याद हो गया होगा। लास्ट तो बच्चा पिद्दी गेम बचा है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ए कंज्यूमर सरप्लस पूछ ले रे रे। अरे कंज्यूमर सरप्लस मींस अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पे। सर कितना पे करना चाहता था और कितना पे कर रहा है? सर पहले ग्लास के लिए मैं 100 रुपए पे करने के लिए रेडी था, पर भाई साहब ने चार्ज किए 10 रुपए। सर 90 रुपए मैंने मेरे मन में ही बचा लिए। सर पहली वो गोली, मेरा सर दर्द हो रहा है, कल मेरा पेपर है, CA फाइनल का है, सर रैंक मारना है, 7 पेपर मस्त ललन टाप गए हैं। सर 8वां पेपर में मेरे को रैंक मारने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है कि मैं बहुत ठीक रहूं। तो साहब आप मुझे बताइए वो एक गोली की कीमत तुम क्या जानोगे आदित्य बाबू? वो एक गोली के लिए आदित्य बाबू 10,000, 20,000, 30,000 देने के लिए रेडी है। तो वो मेरा सिर दर्द हो रहा है, कल मेरा CA फाइनल का IDT का पेपर है, लास्ट पेपर बेटा, मैं रैंक मारने वाला हूं, तो पहली गोली के लिए जिससे मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है साहब मैं 30,000 रुपए, अरे 30,000 क्या 3 लाख देने के लिए रेडी हूं। पर मेडिकल वाला कितने रुपए चार्ज करता है? सर 10 रुपए चार्ज करेगा। तो नेसेसिटीज के केस में मेडिसिन के केस में कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, नेसेसिटीज के केस में कंज्यूमर सरप्लस बहुत ही ज्यादा रहता है, याद रहेगा आपको ये बात। तो चलिए, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस। कंज्यूमर कंटिन्यूस टू बाय कमोडिटी। सर कंज्यूमर कब तक कमोडिटी बाय करता है, यहां पर देखकर बताइए। सर कंज्यूमर तभी तक कमोडिटी बाय करता है जब तक प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल नहीं हो जाए। और सर इसको बताने का एक और तरीका है, क्या तरीका है? सर कंज्यूमर तब तक कमोडिटी बाय करता है जब तक प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाए, या फिर ऐसा बोलो जब तक कंज्यूमर सरप्लस जीरो ना हो जाए। क्यों सर? अरे फॉर्मूला कंज्यूमर सरप्लस का यही है, अमाउंट ऑफ पर्सन रेडी टू पे मतलब मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस। कंज्यूमर कब तक कंजम्पशन करता है? जब तक MU इज इक्वल टू P, लेट से दोनों एक्स हैं, तो x माइनस x कितना हो गया जीरो। या तो आप बोलो कि जब तक कंज्यूमर सरप्लस जीरो हो जाता है तब तक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, या फिर बोलो प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों चीजें सेम छे। हाँ, और मुझे एक बात बताओ,
जब तक कंज्यूमर सरप्लस अचीव नहीं किया जीरो, उसके पहले के सारी कमोडिटी के अंदर अपने को कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा था, यस। इसका मतलब है जब तक कंज्यूमर सरप्लस जीरो नहीं होता, उससे पहले की सारी कमोडिटी में कंज्यूमर सरप्लस पॉजिटिव रहता है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज हो जाता है। सर इसके कुछ लिमिटेशन है, सर कुछ लिमिटेशन है इसके। पहला लिमिटेशन सुनिए सर, ये लॉ तभी एप्लीकेबल है जब आप कार्डिनल अप्रोच यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनल अप्रोच में एप्लीकेबल नहीं, ये लिमिटेशन है। और सर कंज्यूमर सरप्लस प्रिसाइसली मेजर करा ही नहीं जा सकता। अरे वो एक गोली के लिए आदित्य 30,000 देने के लिए रेडी था, हो सकता है मेडिकल वाला 35,000 मांगता तो आदित्य कहीं ना कहीं सोच समझ के 35,000 भी दे देता। अरे मेडिकल वाला अगर मान लो 40,000 मांगते तो आदित्य सोचता चल 10,000 रुपए इधर उधर निकाल लेंगे। अरे अमाउंट ऑफ पर्सन रेडी टू पे अगर चेंज हो रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस भी तो चेंज होगा बार बार, तो आप मेजर नहीं कर सकते बेटा। आप ऐसा कर सकते हैं ज्यादा है कंज्यूमर सरप्लस या फिर कम है, पर एग्जैक्ट कितना नहीं बता सकते, तो इसको प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। कंज्यूमर सरप्लस इज अफेक्टेड बाय सब्स्टिट्यूट। साहब दो तरीके, यानी कि गोली 30,000 की, लेकिन सर दूसरा अल्टरनेट भी है कि 10 रुपए का बाम लिया सिर ठीक हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बाम सब्स्टिट्यूट है सिर दर्द का, तो मैं इस गोली के लिए कभी 30,000 देने के बारे में सोचूंगा नहीं, कभी सोचूंगा नहीं। मतलब सर मैं इस गोली के लिए मैक्सिमम 50 रुपए देने के लिए रेडी रहूंगा, मैक्सिमम 50। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 40 रुपए, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस अफेक्टेड होता है सब्स्टिट्यूट से। सर सब्स्टिट्यूट है, कंज्यूमर सरप्लस अफेक्ट होगा। सर नेसेसिटीज के केस में, दवाइयों के केस में आप बहुत ज्यादा पे करने के लिए, कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट रहता है, एमसीक्यू के हिसाब से स्टार मार्क का क्वेश्चन। नॉट एप्लीकेबल टू प्रेस्टीजियस गुड्स, सर प्रेस्टीजियस गुड्स एक्सेप्शन है, हर चीज का एक्सेप्शन है प्रेस्टीजियस गुड। और सर एक और चीज है, मैंने आपको क्या बोला था, सर मैंने आपको क्या बोला था, सर मैंने आपको बोला था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती है, जबकि हमारा लॉ तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज की बात करता है। तो हमने बीच का रास्ता क्या निकाला, कांस्टेंट निकालो, और इन्होंने वही चीज वापस पिन पॉइंट कर दी हमको, टोच के इन्होंने बोला कि भैया तू ऊपर जो अजम्पशन लेकर आए थे ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, भूल मत कि तेरा अजम्पशन ही गलत है। उन्होंने सर याद दिला दिया, सर औकात याद दिला दी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट अज्यूम किया है, जो कि झूठ है, वैसे ये इंक्रीज हो रहा है। सर ये पाप चल रहा है, और इस पाप को दबाने के लिए इसको कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हो। सर कोरोना के केसेस निकलते जा रहे हैं, पर आपकी कंट्री की इमेज खराब ना हो इसलिए आपने चेकिंग ही बंद कर दी। सर ये तो वही बात है, ये एक तरफ भलती डायरेक्शन में जा रहा है, और आप बोल रहे कि आपका लॉट डिमिनिशिंग है, ये इंक्रीजिंग है, तो आपने इसको छुपा दिया कांस्टेंट रखे। तो याद रख, इट इज अनरियलिस्टिक। चलिए सर, और लास्ट अपन इसका पढ़ लेते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर कार्डिनल अप्रोच अपना खत्म हो जाएगा। बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसा बता रहा हूं सिर्फ उतना ही सुनो, उससे ज्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेट सी गाइस, एरिया अंडर AOQR ये रिप्रेजेंट करता है टोटल यूटिलिटी, उसके अंदर से POQR ये एरिया रिप्रेजेंट करता है प्राइस पेड। सर ये प्राइस पेड कैसा है, बेटा प्राइस कितना पे करते हो तुम, नंबर ऑफ यूनिट इनटू प्राइस। लेट से तुम किराने की दुकान पे गए, तुमने कितना प्राइस पे किया शक्कर के लिए, तो आप पूछोगे सर शक्कर का रेट कितना है, मैं बोलूंगा 40। फिर आप पूछेंगे कितनी क्वांटिटी, मैंने बोला 10 किलो, तो आप बोलेंगे प्राइस पेड है 400। तो उसी तरीके से ओपी या फिर पीओ इज इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट, और सर ओक्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से टोटल प्राइस आएगा। तो भैया ये अगर टोटल यूटिलिटी है, इतनी आपको यूटिलिटी मिल रही है सेठ, इतनी यूटिलिटी मिल रही है और उसके लिए इतना प्राइस पे करना है। सर इतनी ज्यादा यूटिलिटी उसके लिए इतना सा प्राइस पे करना है, तो ये क्या है, आपने मन ही मन में पैसे बचा लिए। सर ये है कंज्यूमर सरप्लस। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप मुझसे इससे डिटेल में ज्यादा मत पूछिए, क्योंकि अपने पास फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, रेगुलर में आप करेंगे तो मैं आधा घंटा पढ़ाता हूं वहां पे इसके ऊपर। तो बस इतना समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आ सकता है, इतना पार्ट है टोटल यूटिलिटी टू और इतना पार्ट है प्राइस पेड। सर ये क्या बन गया, सर ये कंज्यूमर। अब आप बोलेंगे सर कंज्यूमर सरप्लस का तो फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, आपने यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्यों ले लिया, क्योंकि बेटा मैंने टोटल प्राइस इनटू टोटल क्वांटिटी भी लिया है, मैंने जब टोटल लिया इसलिए वहां से टोटल माइनस किया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ज्यादा मत घुसिए, मैं आप लोगों को एक मिनट देता हूं, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछिए, मैं चार्जर लगाऊं।
हाँ जी, गुड इवनिंग आदि, कैसन बा, कैसा है सर? पूछिए, ऑल क्लियर छे? कोई यहाँ दिख क्यों नहीं रहा? ऑल क्लियर, नो डिसलाइक। सर ग्राफ फिर से बता दीजिए, कितनी बार बोलता हूँ बेटा, आप लोगों को ना यही है कि जो चीज़ पे मैं कम फोकस करने के लिए, आप बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ वो आग में उंगली मत डालो, आप आग में उंगली डालते हैं। बेटा जितना बोल रहा हूँ उतना ही याद रखो। ये जो एरिया है ए ओ क्यू आर, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्वेश्चन आएगा, बताओ ए ओ क्यू आर क्या है? बोलना टोटल यूटिलिटी। पी ओ क्यू आर सर, ये पी ओ क्यू आर इज इक्वल्स टू प्राइस पेड। और सर ये वाला जो एरिया है ए पी आर, ये है कंज्यूमर सरप्लस। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा मत करो आप, इससे ज्यादा पूछो मत। सर इज इट पॉसिबल टू टेक वन क्लास आइदर मॉर्निंग? सोचते हैं बेटा, मैं सोचूंगा। आप लोग सजेशंस टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप पे सजेशंस दीजिए। थैंक यू फैजान। सर एफ पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए। एफ पॉइंट, अरे भाई, सेठ, बहन, मैडम, ये तो कितनी बार, मैं 50 बार ये पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप कुछ नया पॉइंट पूछिए ना साहब, कुछ नया पॉइंट पूछिए। मैंने बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी एडिशनल मनी अक्वायर। तुझे आज 1 लाख मिले तो क्या तू बोलेगा नहीं अगले मैंने 80 हज़ार की यूटिलिटी चाहिए, 80 हज़ार ही मनी दो? क्योंकि सर एडिशनल मनी मतलब मनी भी तो एक कमोडिटी है, तो एडिशनल मनी से ना मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है। उसके बाद वाले महीने में ना मेरे को 60 हज़ार ही सैलरी दो, उसके बाद 40 हज़ार दो, ऐसा होता है क्या? नहीं। आज 1 लाख मिले तो तू कल 1 लाख 20 मांगता है, परसों 1 50 मांगता है, फिर 2 मांगता है। तो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, पर ये पूरे चैप्टर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है और मनी की बढ़ रही है। तो हमने बोला भैया हमें पढ़ना है डाउनवर्ड, ये जा रहा है अपवर्ड, तो हम एक काम करते हैं इसको एक्सेप्शन में लिख देते हैं और बोलते हैं कॉन्स्टेंट है। आज नहीं दिखाएंगे, फ्रेम करने के लिए चली गई। सर पीबीडी का 40 MUB मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा? भैया बजट भी है, ये सेटिस्फेक्शन तो और आते जाएंगे। किसने पूछा है बेटा? प्रिसाइसली मतलब एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। टेलीग्राम पे सीए फाउंडेशन आदित्य नाम है बेटा, यहां पर भी आएगा। लेकिन बेटा तेरे पास पैसे नहीं खत्म हो जाएंगे क्या? तेरे पास पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे क्या? मेरे को एक बात बता, इक्विलिब्रियम तो बहुत आते रहेंगे पर तेरे पास पैसे ही खत्म हो जाएंगे। सर आगे बजट लाइन भी तो पढ़ना है। सर आपकी इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में एमसीक्यू में कुछ जगह मिस्टेक है, जो 1500 MCQs वाली बुक है ना उसमें है मिस्टेक्स, वो मत फॉलो करो। नया एमसीक्यू बुक अक्टूबर के सेकंड हाफ में आ जाएगा। सर इको में अजम्पशन लेते ही क्यों है? क्योंकि बेटा दुनिया में इतने एक्सेप्शंस हैं कि आपको अजम्पशंस लेके उनको कांस्टेंट, समाज में कुछ ऐसे अनैतिक तत्व हैं कि आपको कुछ चीज़ें कांस्टेंट अज्यूम करनी पड़ती है। सर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैसे क्वेश्चन में एग्जाम पूछते हैं? बस इतना ही पूछते हैं, ये जो लाइन पूछी है ना बस एग्जाम में यही पूछते हैं, या फिर ये वाला क्वेश्चन। थैंक यू सर। आज आप आर्टिकलशिप का फर्स्ट डे BCK में बताता हूँ मैं, स्टोरीज BCK। सर हाउ द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट वेयर द प्राइस इज नॉट सेम? हाँ तो भैया वो अलग अलग प्राइस कंज्यूमर बेसिस पे, कंज्यूमर सरप्लस भी चार्ज करता है। मेरे को एक बात बता, कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट अ पर्सन इज रेडी टू पे। तो 5 स्टार होटल में प्राइस अलग रहता है पानी की बॉटल का, और ठेले पे अलग रहता है। 5 स्टार में एक्स्ट्रा क्यों रहता है? क्योंकि भैया वो बंदा ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। अमाउंट अ पर्सन रेडी टू पे इज मोर। तो जो मोनोपोली है, मोनोपोलिस जब थर्ड डिग्री ऑफ, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। वो किस बेसिस पे चार्ज करता है? होटल में ज्यादा क्यों चार्ज करता है? क्योंकि वहां पे बंदा ज्यादा पे करने के लिए रेडी है। ठेले पे क्यों कम चार्ज करता है? क्योंकि वहां पे बंदा पे ज्यादा करने के लिए रेडी नहीं है। सर लॉ के लिए प्रोफेसर CACMA रोहन निम्बालकर कुणाल, रोहन निम्बालकर सर बेस्ट है सर। ये वाली फाइल मैंने डाल दिया भैया टेलीग्राम चैनल पे, मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, मैं कहीं और शेयर नहीं करता, क्योंकि मैं सबको बोल चुका हूँ टेलीग्राम के अलावा मैं कहीं कुछ शेयर नहीं करूंगा। सर नोट्स कब तक देने वाले हो? रोहित बजाज, नोट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी कब के आ चुके हैं, 187 पेज के नोट्स आ चुके हैं आपको, 187 नहीं 87 पेज के नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम पे चैनल पे आ चुके हैं। और अगर आप BCK की बात करें तो आप पूरा लेक्चर नहीं देखते, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि मैं मंडे को देने वाला हूँ 4 चैप्टर के, और उसके बाद 2 4 दिन में आपको दे दूंगा। सर ट्विटर पर काफी स्टूडेंट है, नवंबर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाली बेटा, कुछ भी कर लो नहीं होने वाली।
वॉट इज आर क्यू बी, किधर लिखा है बेटा? सर आर क्यू बी कुछ नहीं है एक्चुअली, सर आर क्यू बी कुछ नहीं है, वो ग्राफ ही नहीं है, जो कुछ है नहीं उसके बारे में क्या पढ़ रहे हो? सर ग्राफ ऐसा बना है, तो वो जो है नहीं उसके बारे में क्या पूछ रहे हो? सर कॉन्सेप्ट समझ आता है बट एमसीक्यू, मैंने आपको पहले ही बोला कॉन्सेप्ट समझना और एमसीक्यू सॉल्व करना दोनों अलग चीजें हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। एमसीक्यू आप सॉल्व कर पाओ इसलिए कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। मैं कल करके डायरेक्टली आपको कभी इक्वी मार्जिन और यूटिलिटी नहीं पढ़ाया, डायरेक्टली मैं एमसीक्यू पे गया तो मैं आपको कितना भी एक्सप्लेनेशन दूं आपको नहीं समझ में आएगा। तो एमसीक्यू टफ होंगे ही, लेकिन वो एमसीक्यू मैं आपको समझा सकूं इसलिए बेस क्लियर करना पड़ता है। एमसीक्यू भी मैं करवा दूंगा, आप मेरा एमसीक्यू मैराथन देखिए। कंज्यूमर सरप्लस कैन बी नेगेटिव, हाँ हो सकता है। अरे मेरे को एक बात बता, कंज्यूमर सरप्लस क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता है? किसने पूछा? कृणाल ने पूछा है। कृणाल तेरा एक बच्चा है छोटा सा, ठीक है, ठीक है, तेरा बच्चा है तू मान ले, ठीक है, वो जिद कर रहा है मेरे को पिंक कलर की ही साइकिल चाहिए, पिंक कलर की साइकिल चाहिए, बेटी है तेरी, ठीक है, ब्लैक कलर की साइकिल है 3000 की और पिंक कलर की सेम साइकिल 8000 की है, तो भैया तू कितने पे करने के लिए रेडी होगा? तू बोलेगा कि भैया सेम तो चीज़ है, कलर तो चेंज किया, मैं 3000 पे करूंगा, लेकिन वो बोल रहा है पिंक कलर की साइकिल तो साहब 8000 की आएगी, तो तेरे को पता है कि 3000 तक तू देने के लिए रेडी है, पर तेरी बेटी की जिद के आगे तेरे को 8000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। तेरा कंज्यूमर सरप्लस नेगेटिव गया, तू कोसेगा खुद को, क्यों पैदा किया मैंने? सर आप मेरे आंसर क्यों नहीं देते हो? तेरे आधे से आधा चैट तो छुप जाते हैं बेटा। कृष्णा किधर तेरा एक भी चैट नहीं दिखता। सर लास्ट में फुल चैप्टर को शॉर्ट समराइज में बता दीजिए। कृष्णा मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपको बोल के रखा है मैं हर बार समराइज करवाता हूं, तो आप नया क्या पूछ रहे हैं मुझसे? सर आपने ट्रेडिंग का बोला था ना, बताऊंगा सबको ट्रेडिंग का बताता हूं, लेकिन सब बीसी के मैं बताता हूं। सर टू इज बेस्ड ऑन एमयू और टू इज बेस्ड ऑन एमयू, सर टू इज बेस्ड ऑन एमयू और टू इज बेस्ड ऑन एमयू, क्या पूछ रहे हो बेटा? कौन है जो लोग एग्जाम पोस्टपोन कर? कोई नहीं है एग्जाम पोस्टपोन। सर बिहार इलेक्शन कुछ नहीं हो रहा है बेटा, एक दो दिन आगे पीछे की ज्यादा मत सोचो, तुम्हारी एग्जाम वैसे भी इलेक्शन के बाद है। सर लिमिटेशन ऑफ लॉ में मॉड्यूल में एक पॉइंट है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन। बेटा तुम क्या है, तुम पढ़ते नहीं हो, चश्मा लगेगा, ये क्या लिखा है? पढ़ाया तो है सेठ मैंने, कहाँ है वर्षिल तेरा डाउट कहाँ है? सर लिमिटेशन ऑफ लॉ में मैंने बता दिया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम के बाद भी कंज्यूमर करेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, नहीं भैया वो छोड़ देगा, वो बावला थोड़ी है। अरे वो एडिशनल कंज्यूम, सेटिस्फेक्शन मिल गया अभी भी कंज्यूम करते जा रहा है बेटा, एडिशनल कंज्यूम करेगा तो पैसा लगेगा और वैसे भी इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे रिसोर्सेस लिमिटेड है, क्यों करेगा वो? सर टी यू इज बेस्ड, सर एम यू इज बेस्ड ऑन टी यू। सर पापा सत्यम का जवाब देना चाहता हूँ, मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है पापा से ज़्यादा प्यार करता है? सर दोनों से करता है उसी तरीके से, मैथमेटिकली दोनों एक दूसरे से डिराइव करे जा सकते हैं, बट अल्टीमेटली सबको टोटल यूटिलिटी पर बेस्ड है। सर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉन्स्टेंट अज्यूम करना है, सब में प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉन्स्टेंट अज्यूम करना है, हम सिर्फ डिमांड में जाके प्राइस चेंज करेंगे, अभी नहीं चेंज कर सकते। आई होप इट इज क्लियर बेटा। सर अगर बजट अफेक्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम और सेटिस्फेक्शन साथ में होगा ना, बजट बढ़ गया ना तो इक्विलिब्रियम नया वाला आ जाता है। सर मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा पहले बजट था कि भैया 40 रुपये के ऊपर दूंगा नहीं, सडनली बजट हो गया तुम्हारा, लेट्स से तुम्हारा बजट बढ़ जाएगा, तो बजट बढ़ जाएगा तो नया इक्विलिब्रियम आता है बेटा, क्योंकि तुम अब ज़्यादा कमोडिटी परचेस करने के योग्य हो जाते हो। सर क्वेश्चन अगर आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, कांस्टेंट बेटा, वो ऐसे पूछेंगे कि कौन सा अजम्पशन है, तो अजम्पशन में कांस्टेंट लिखना है, नो डाउट इसके अंदर कांस्टेंट लिखना है। सर अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है बेटा, अगर तुम सेम क्वेश्चन, कौन है ये रंजीत, आप मुझसे सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम के एक दिन पहले पूछेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे टीचर आंसर क्या देगा, तो आप सिर्फ अपने दिल बहलाने की बात करो। आप जितना लेट चालू करोगे दिन के 5 मार्क्स रिड्यूस करते जाओ, हर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 5-5 मार्क्स कम करते जाओ, कल ज्वाइन करोगे 5 मार्क्स कम करो, तो भैया तुम्हें स्टार्टिंग से जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सर हर्षद मेहता वाला केस सच में गफला मूवी में ट्रूली दिखा है, एक और वेब सीरीज आ रही है आप देख लीजिए हर्षद मेहता के ऊपर आने वाली 8 अक्टूबर को सोनी लिव पर। सर एक्सेप्शन ऑफ लॉ में मनी इज एक्सक्लूडेड, जैक मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वीडियो 5 मिनट पीछे लो, सब लोग एक ही डाउट पूछ रहे हैं मुझसे, मैंने एक्सप्लेन किया 3 बार एक्सप्लेन किया, टाइम नहीं चेंज कर रहा हूँ हाल फिलहाल तो।
अगर बजट कम हो गया तो सेटिस्फेक्शन और इक्विलिब्रियम इक्वल हो सकता है? क्या पूछ रहे हो बेटा? अगर बजट कम हो गया तो सेटिस्फेक्शन और इक्विलिब्रियम इक्वल हो सकता है? क्या पूछ रहे हो आप साहब? आप तोड़ रहे हो चीजों को, इधर उधर कहीं से भी डाल रहे हो। कितनी सिंपल थियरी है सर, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस इक्विलिब्रियम अचीव, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सबसे मिलने वाली यूटिलिटी, सिंपल दोनों चीजों को कंबाइन कर दे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तुम क्या क्या पूछ रहे हो? तुम मुझसे पूछोगे सर प्रधानमंत्री छींक रहा है तो मेरी कितनी इनकम बढ़ेगी? क्या पूछ रहे हो बेटा? सर वेब सीरीज सजेस्ट मत करिए। नहीं बस बता रहा हूँ, बाद में कभी देख लूंगा। सर वो कितने पर पिज्जा खाया गया वो तो सोचेंगे ना कि ज्यादा भूख नहीं है। तो बेटा सोचने के लिए और भी चीज है, सोचने के लिए इनकम भी है, सोचने के लिए पेट भी है, पर एक चीज तो समझो, वन थिंग एट अ टाइम। साहब आप स्टार्टर मेन कोर्स रोटी दाल चावल पनीर रसगुल्ला सब मिक्स करके तो खाएंगे नहीं, एक टाइम पे एक चीज बनेगी, तो एक टाइम पे एक एक बेस बना रहे हैं। जब मार्केट का चैप्टर पढ़ेंगे तब सब सारी चीजों को एक साथ लेकर आ जाएंगे सर। एक मिनट बेटा, मैं आपकी एक सबसे सिंपल डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ज्यादा सोचो मत, तुम चीजों को तोड़ने गए ना तो मैं तुम्हारे अकेले की डाउट क्लियर करने के लिए 180 या 1000 बच्चे ये लेक्चर देखने के एंड तक करेंगे, 1000 बच्चों के कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे। तो आप ज्यादा सोचो मत, जितना मैं बता रहा हूँ उतना आपके लिए सफिशियंट है। एग्जाम्पल सटीक बोल रहा हूँ एकदम, तुम खुद को कंफ्यूज करोगे, खुद ही कुल्हाड़ी पे मारोगे, क्योंकि इसमें हर एक अजम्पशन के लिए एक्सेप्शन है। बेटा मैंने बोल दी राइट, हर एक अजम्पशन के लिए एक्सेप्शन है। अगर मैं समझाते बैठ गया ना, इकोनॉमिक से विश्वास उठ जाएगा, या तो अगले मनमोहन सिंह तुम बन जाओगे। एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ आईसीआई के एमसीक्यू, एमसीक्यू बुक सेपरेट मत करना, आईसीआई के। हाँ मैं बढ़ा रहा हूँ महिमा। सर कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है तो डिमांड और इनकम कम होगी। सर कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम और इनकम कम होगी। बिग कंफ्यूजन बेटा, तुम ड्राफ्ट करो क्वेरी अच्छे से, अच्छे से क्वेरी ड्राफ्ट करो। हाँ बेटा आप कंफ्यूज कर रहे हैं। रोशनी आप कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है, बेटा सर कंज्यूमर सरप्लस कैसे इंक्रीज होता है? तो डिमांड और इनकम कम होगी, कंज्यूमर सरप्लस जिसका यहां डिमांड पर तो कोई लेन देन दिख ही नहीं रहा मेरे को। बेटा हाल फिलहाल तो कंज्यूमर सरप्लस पर डिमांड का कुछ इंपैक्ट दिख नहीं रहा मेरे को सर, उसके कारण इनकम। आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह वैसे भी बहुत अच्छे हैं, किसने बोला खराब है भाई? इकोनॉमिस्ट खतरनाक। सर ये कोर्स नवंबर 20 के लिए है क्या? क्योंकि आप वो 5 महीने वाली बात क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रही है, पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता 5 मिनट में। बेटा आप अजीब अजीब डाउट मत पूछिए, एक काम करिए सेम डाउट आप ग्रुप पर पोस्ट करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, पर आप खुद समझिए आपकी डाउट जेन्युइन नहीं है। इको की क्लास क्रिकेट प्लेयर जिस समय तू खत्म करना चाहेगा उस समय तेरे लिए खत्म हो जाएगी, तो जिसको जितना खत्म करना है जल्दी वो उतनी जल्दी खत्म कर सकता है। सर ये पता नहीं किस चीज को कहाँ रिलेट कर रहे हैं। बेटा आप सच में कहीं से तुम कहाँ से लाए पता है? कंज्यूमर सरप्लस डिमांड को इनकम से जोड़ दिया। बेटा इनकम इज डिफरेंट वेरिएबल, डिमांड इज टोटली डिफरेंट वेरिएबल। कंज्यूमर सरप्लस डिमांड पे डिपेंडेंट है माना, लेकिन कंज्यूमर सरप्लस डिमांड पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंडेंट है। सर तुम बोल रहे हो उसकी चाची के बेटे के मामा के लड़के के ताया के फूफा के पड़ोसी के कुत्ते के बच्चे के जो पिल्ले हुए उनका नाम बताओ सर, क्योंकि सर मेरी एग्जाम आ रही है। भाई तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? सर मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना सही पढ़ा रहा हूँ, आप 90 ले आओगे। और अगर आप जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, इसका मामा के चाचा के ताया के फूफा के बच्चे के बारे में पूछोगे ना, आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। आप क्रिस्टल क्लियर हो। बेटा मैं एक चीज मानता हूँ कि लाइफ में कॉम्प्लेक्स चीजें समझने की कोशिश करने से अच्छा सिंपल चीजों को समझो, कभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। सर दुनिया में दो लोग सबसे ज्यादा सुखी, एक निर्लज्ज जिसको कोई लाज नहीं है, और दूसरा जो चीज़ों को मान लेता है। सर मान लो, विश्वास रखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ। सर आपके लिए जितने मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, आपके उस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या है मार्क्स लाओगे आगे बढ़ जाओगे भूल जाओगे, आपके लिए तो एक सब्जेक्ट है, मेरे लिए वो माइलस्टोन है, मेरी बुक के अंदर तुम्हारा नाम जिंदगी भर रहेगा, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही पढ़ा रहा हूँ। आगे पढ़ते बेटा, इंडिफरेंस कर रहे एनालिसिस पे पढ़ते।
बेटा लाइक कम हो रहे हैं अपने, कंजूस हो रहे हो तुम लोग, तुम कंजूसी करोगे मैं भी कंजूसी करेगा। सर आइए ऑर्डिनल अप्रोच पे। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड एलन का अप्रोच है। तो हिक्स साहब कौन है, एलन साहब कौन है, दो इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने बोला जहां जहां हमारा कार्डिनल अप्रोच, मार्शल साहब का अप्रोच एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसी जगह पे लोगों के मन में दुविधा है, तो हम क्या करते हैं सर, वहां पे हम कार्डिनल की जगह ऑर्डिनल अप्रोच यूज करते हैं। इसीलिए इस अप्रोच का नाम हिक्स एंड एलन अप्रोच भी रख दिया गया, क्योंकि सर ये हिक्स एंड एलन साहब ने अप्रोच लाया था। देखिए जी, किसी का अपन जवाब नहीं देते तो डिसलाइक करके चला जाता है, देखिए ना कैसे हैं, फालतू कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं। वीडियो को एक भी डिसलाइक नहीं होना चाहिए था साहब, ये तो गलत करके गया कोई। चलिए साहब कोई बात नहीं साहब, जिंदगी है, आगे बढ़ना। कई बार मेरे ऐसे वीडियो रहते हैं जिसमें मैं अपने कमेंट्स देता हूँ कि भैया ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, बच्चे के दिल को छू जाते। आधे बच्चे लाइक करते हैं, 50% 60% डिसलाइक करते हैं, क्योंकि सच्ची बात कड़वी लगती है, सच्ची बात कड़वी छे। सर आइए इनडिफरेंस कर पढ़ते हैं। इनडिफरेंस कर क्या है, ये सारी चीज़ें साइड में रखते हैं। सर इनडिफरेंस कर में क्या करना रहता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। हम एक ग्राफ बनाते हैं, दो कमोडिटी का। लेट से दिस इज रोजेस, रोजेस छोड़ो, तुम्हें खाने की चीज़ों के बारे में बताया तो ही समझ में आता है। सर ये है समोसा और यह सर ढोकला। सर ये है समोसा, ये है ढोकला। सर आपको भूख तो लगी है, भूख लगी है तगड़ी। सर मुझे बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर अब आपको पेट भरना है, क्या बोला सेठ, आपको पेट भरना है। तो एक कॉम्बिनेशन अपन अचीव कर सकते हैं कि सर 4 समोसे और 1 ढोकला खाऊं, तो 4,1 यहां पे लिख लेते समोसा और यहां पे लिख लेते ढोकला, सर इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर 4 समोसा 1 ढोकला खा लिया, पेट भर गया, इक्वल सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। सर अगर मान लो समोसा कम कर दूं और आपको सेम संतुष्टि चाहिए, क्या बोला सर मैंने, सेम संतुष्टि चाहिए सर, आपको सेम सेटिस्फेक्शन चाहिए, पर मैंने आपसे 1 समोसा छीन लिया, आप क्या बोलोगे, सर आपने 1 समोसा छीन लिया, अब 1 ढोकला बढ़ा दो, इक्वल सेटिस्फेक्शन। सर फिर मैंने 1 और समोसा छीन लिया, तो सर आप क्या बोले, 1 समोसा और छीन लिया, तो आप बोले 1 ढोकला साहब और बढ़ा दो। सर मैंने 1 और समोसा छीन लिया, अब आप बोल रहे हो 1 और ढोकला और बढ़ा दो। सर कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो बेटा, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, तुम्हें इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सर यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी रहती है, तो यहाँ पर कभी भी कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं हो सकते 0 समोसा 5 ढोकला या 5 ढोकला 5 समोसा 0 ढोकला। तो 2 कमोडिटी कंपल्सरीली आपको चाहिए ही चाहिए, आपको अपना पैसा 2 कमोडिटी पे खर्च करना है। तो सबसे पहला है ये क्वेश्चन आता है कि भैया इनडिफरेंस कर्व में कितने कमोडिटी का एनालिसिस होता है, 2 से ज्यादा हो सकती है, हमारे स्कोप से बाहर है, हो सकती है पर हमारे स्कोप से बाहर है, 2 से कम हो सकती है साहब, 2 से कम मतलब क्या, 1 का हम एनालिसिस नहीं करते, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर लो, चाहे आप कॉम्बिनेशन ये चूज करो ए, ठीक है, चाहे ये चूज करो बी, चाहे ये चूज करो सी, ये चूज करो डी, सारे के सारे आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। सर इसको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। चलिए आगे इसको और डेप्थ में पढ़ते हैं। साहब ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर एक टेक्निकल वर्ड सुनिए। सर जब आप एक एडिशनल ढोकला लेते हैं तो 1 समोसा सेक्रीफाइस करते हैं, 1 और ढोकला ले रहे हैं, 1 और समोसा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो यहां पे आप कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप 1 कमोडिटी को कम करते हैं और दूसरी कमोडिटी को बढ़ाते हैं, तो इसको बोला जाता है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला जाता है साहब इसको, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल मतलब एडिशनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक कमोडिटी आपने बढ़ा दी तो कौन सी कमोडिटी सब्स्टिट्यूट कर दी, कौन सी कमोडिटी आपने कम कर दी, इसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगला पॉइंट भी धासु पॉइंट कवर कर लेते हैं साहब। अगर मैं ऊपर वाला इनडिफरेंस कर लेता हूं तो इस पे जो भी पॉइंट रहता है वो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन देता है, कैसे सर प्रूफ करके बताओ, सिंपल है। सर अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं ए और इसको बोलता हूं पॉइंट बी,
तो आप जरा देखना दोनों केस में, ए वाले पॉइंट के केस में क्या हो रहा है, चार समोसे एक ढोकला आ रहा है, और बी वाले केस में क्या हो रहा है, चार समोसे दो ढोकला आ रहा है। तो आप बताइए कौन से केस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। सर ये दूसरे वाले केस में ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो जितना दूर इनडिफरेंस कर रहेगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सर इसका रिवर्सल भी तो देख लो ना, लेट्स से ये है आपका एक और पॉइंट, ठीक है, अपन यहां पे एक नए पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। सर अभी देखना ये ऊपर वाले पिंक कलर वाले में कॉम्बिनेशन क्या है, 3, 2, लेकिन सर ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, 3, 1। सर सेम टाइम पे एक 3, 2 दे रहा है, एक 3, 1 दे रहा है। सर एक कॉम्बिनेशन आपको 3 समोसा 2 ढोकला दे रहा है, दूसरा कॉम्बिनेशन आपको 3 समोसा 1 ढोकला दे रहा है, कौन सा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा ये। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना दूर रहेगा इनडिफरेंस कर ओरिजिन से उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जितना पास रहेगा उतना कम सेटिस्फेक्शन देगा। पर सर एक और बात भी तो है। सर कौन सी बात, अरे तुम दो जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा कमोडिटी मिलेगी तो सही, पर सर औकात के भी तो बाहर चली जाएगी, यानी सर बजट के तो बाहर चली जाएगी। सर अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन अचीव करना चाहता हूं, ठीक है, इसमें मेरे को समोसे 4 और ढोकले 3 मिल रहे हैं, लेट से मेरे को ढोकले ज्यादा मिल रहे हैं सर, तो इसके लिए पैसा भी तो ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए सर बजट लाइन अपने को रोक देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सर जितना दूर इनडिफरेंस कर्व रहेगा ओरिजिन से उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, पर सर जितना दूर रहेगा वो उतना बजट के बाहर रहेगा। सर उसी तरीके से एक छोटू सा कॉन्सेप्ट आता है बजट लाइन, जो कि मैं कल करवाऊंगा, कल ये चैप्टर फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाएगा, यानी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। पर मैंने आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट करवाया वो लॉ क्या बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच है, जिसको हिक्स एंड एलन अप्रोच या फिर ऑर्डिनल अप्रोच बोला जाता है। ऑर्डिनल अप्रोच में बोला जाता है यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट क्वांटिफाइबल, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। और यहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट वर्ड देखा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमको इक्वल सेटिस्फेक्शन चाहिए। जब हम इनडिफरेंस कर्व देख रहे हैं तो उस कॉम्बिनेशन पे उस इनडिफरेंस कर्व पे जितने कॉम्बिनेशन आएंगे सब इक्वल सेटिस्फेक्शन देंगे। हाँ सब सबके सब इक्वल सेटिस्फेक्शन हमको देने वाले हैं। तो सर अगर मान लो अपन एक कमोडिटी कम करेंगे तो इक्वल सेटिस्फेक्शन पाने के लिए दूसरी कमोडिटी बढ़ानी भी तो पड़ेगी, तो ये एक को कम करना और दूसरे को बढ़ाने को ही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोला जाता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है, बाकी ये चैप्टर कल हो जाएगा। मैंने आपको ये वाला पार्ट समझा दिया है, ठीक है, ये वाला पार्ट भी समझा दिया है, ये वाला पार्ट भी बना दिया है, ये वाला पार्ट भी एक तरह से दिखा दिया है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बता दिया, कल रीड करूंगा पूरा समझाऊंगा वापस से। बेटा बजट लाइन के बारे में रेफरेंस दे दिया है और ये चैप्टर फर्स्ट हाफ में अपना हो जाएगा। आज आप लोगों की क्वेरी ऐसी अजीब अजीब थी, बेटा क्वेरीज जबरदस्ती क्रिएट करना है वो मत करो। अगर ऐसी जबरदस्ती की क्वेरी क्रिएट हो रही तो आप मुझसे इंडिविजुअली आके पूछ सकते हो, मैं आपको वो क्वेरी कभी भी सॉल्व कर दूंगा। लेकिन कोई क्वेरी का हाथ पैर ही नहीं है सर, आगे पीछे सर पाव भी कुछ नहीं है। तो चलिए जी, मेरे हिसाब से इतना था लेक्चर, मेरे हिसाब से कंप्लीट हुआ। अब आपको कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कार्डिनल अप्रोच से पूछिए, ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में जनरल पूछना है तो मुझसे पूछिए, कहानी सुनाओ सर, स्टोरी सुनाओ, BCK में रहता है वो सारी चीज़ें, BCK ड्राई जाता है तो मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें करके लाता हूँ। आज का BCK बहुत अच्छा सेशन है, तो जाइए अपने दोस्तों को भी बुलाइए।